हेलो गाइस, आपके अपने चैनल सुनने में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ऋषि। आज हम पढ़ने वाले गाइस टॉम। क्या पढ़ने वाले हैं? टॉम, जिसे हम कहते हैं गाइस थियोरी ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं, और उसके चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है, वो है पावर ट्रांसमिशन। कौन सा चैप्टर गाइस? पावर ट्रांसमिशन। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। पावर ट्रांसमिशन मतलब होता क्या है गाइस? पावर मतलब क्या होता है? एक वर्क, जो आप आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? पावर। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? उस पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। मतलब मेरे पास कुछ एनर्जी है, लेट करता हूँ, मेरे पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को जैसे लेट किया हमारे, मेरे पास कुछ एनर्जी है या किसी और के पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी मानता हूँ मैं 30 किलो जूल या 10 किलो जूल मानते हैं, लेट्स इसके पास कुछ 10 किलोजूल एनर्जी है। तो गाइस ये बंदा अब किसी और को अपना एनर्जी फॉरवर्ड करे तो कैसे करेगा? किसी और को फॉरवर्ड करना चाहता है वो, तो कैसे करेगा वो एनर्जी फॉरवर्ड आगे? ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करने को जो कहते हैं हम एनर्जी को एक दूसरे से, मतलब ये एक प्लेस है, इस प्लेस से मैं दूसरे प्लेस पर ले जा रहा हूं, उस प्लेस इसे हम क्या कहते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा हूं, क्या कहते हैं हम? ट्रांसमिशन। इसी को हम क्या कह देते हैं गाइस? ट्रांसमिशन कह देते हैं। आया समझ? इतना पावर ट्रांसमिशन मतलब कि पावर। यहां पर क्या लिया मैंने? एक आदमी के पास इतने एनर्जी थे, मतलब इस बंदे के पास इतने एनर्जी थे 10 किलो जूल, उसे उसने ट्रांसफर किया इस पर। ठीक है, तो इसने कैसे पास आउट किया? कुछ होगा, कुछ तरीका होगा पास आउट करने का। हो सकता है ऐसे मनी से पावर ट्रांसफर किया हो, हेल्प करके किया हो, बहुत तरीके हो सकते हैं करने के। लेकिन गाइस हम आते हैं, आप अपने आते हैं, ये डेली लाइफ का था, आते हैं अपने मैकेनिकल में वापस। अब देखिए पावर ट्रांसमिशन होने के यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके हैं। तो गाइस देखिए, पावर ट्रांसमिशन करने के पास मेरे पास एक होता है बेल्ट, बेल्ट हो गया गाइस, एक होता है मेरा चेन, चेन से भी करते हैं हम पावर ट्रांसमिशन, एक होता है गाइस हमारे पास रोप, उससे भी करते हैं पावर ट्रांसमिशन, एंड एक और चीज होता है हमारे पास गाइस, वो होता है हमारा गियर। हम इन चारों चीज से क्या करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से भेजते हैं। तो क्या ये पावर ट्रांसमिशन? तो देखिए सबसे पहले आता है कि अजी हमारे पास पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसकी जो पावर ट्रांसमिशन की अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन वो डिपेंड किस किस चीज पर करेगी? तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा, ये नोट्स है गाइस, हाथों हाथ अपने नोटबुक और पेन रखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसे साथ साथ लिखते चलिए। तो देखिए द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड्स ऑन फैक्टर। कुछ फैक्टर है मेरे पास जो इस पर डिपेंड करेगा वो। तो गाइस देखिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आता है गाइस कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है गाइस हमारे पास, दूसरा है टेंशन क्या है इस पुली पे, जो बेल्ट लगे हैं कुछ भी लगे हैं उसका टेंशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास गाइस आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना है, आर्क ऑफ कांटेक्ट, एंड नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या है, आप किस कहाँ पे यूज कर रहे हो इसे, इन चीज को जो पावर ट्रांसमिशन हो रही है वो कहाँ पे हो रहे हैं, उसका वेदर कंडीशन क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां पे आपकी कंडीशन, मतलब बहुत कुछ आ जाता है कंडीशन में। आप कितने पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, कितने किलो जूल का पावर ट्रांसमिट कर रहे हो। अब देखिए कुछ मैं डायग्राम बनाता हूँ, लेट्स मेरे पास एज्यूम करते हैं मेरे पास एक पुली है, ये एक पुली है गाइस, एक मानता हूँ ये पुली है, मुझे इस पुली से, ये पुली जो है ये रोटेट कर रही है एक अपनी कुछ मोशन में, इसके पास कुछ एनर्जी है, मैंने एक शाफ्ट से या कहीं मैंने इसमें मोटर लगा रखा है इस पुली को रोटेट करने के लिए, तो ये पुली रोटेट की जा रही है। अब मैं इस पुली से, मैं दूसरा पुली जो मेरे पास एक अनदर पुली है वो, उसके पास कोई मोटर वोटर नहीं है, कुछ रोटेशन मूवमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस पुली से मैं इस पुली को रोटेशन मूवमेंट दूँ,
कुछ एनर्जी पावर ट्रांसमिट करूं। तो गैस मैं यहां पे एक बेल्ट ऐड कर दिया, मैंने एक बेल्ट को किया ऐड। अब बेल्ट ऐड करने के बाद क्या होगा, पावर अब क्या होगा, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। अब पावर ट्रांसमिट होगा देखिए कैसे, जैसे ये क्या जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देगा। क्लॉकवाइज स्टार्ट करेगा कैसे चलना, ये भी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देगा। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखिए जो फर्स्ट पुली है जिससे मैं पावर को ट्रांसमिट, पावर को भेज रहा हूँ कहीं, मैं पावर को कहाँ भेज रहा हूँ, कहीं पे कोई और पुली पे, उसे हम क्या कहते हैं ड्राइवर, इसे हम क्या कहते हैं ड्राइवर। और जिस पुली पे हम भेज रहे हैं, जिस पुली पे हम भेज रहे हैं पावर को, जो पावर को रिसीव कर रहा है, उसे हम कहते हैं ड्रिवन या फॉलोअर, दो चीज से हम नाम से जानते हैं उसे। ठीक है, इतना समझ आया, क्लियर है? चलिए ठीक है। तो देखिए कंडीशन भी डिपेंड करता है, ये चार चीज आप याद रखिए कि अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमीटर किस किस पे डिपेंड करेगा। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, पहला हमारा है वेलोसिटी, दूसरा हमारा टेंशन, थर्ड हमारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्थ हमारा कंडीशन। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। गैस आपको नोट्स मिल जाएगा, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस सबका नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। अब गैस चलते हैं सिलेक्शन ऑफ बेल्ट पे, सेकेंड टॉपिक हम लेते हैं जिसका नाम हम लेते हैं सिलेक्शन ऑफ बेल्ट। क्या गैस, सिलेक्शन ऑफ बेल्ट कि भैया हम बेल्ट कैसे सिलेक्ट करें, कौन से बेल्ट कहाँ लगाएंगे, कितनी पावर में ट्रांसमिट करनी हो तो कैसे बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए सिलेक्शन ऑफ बेल्ट में हमारा क्या कहा जाता है, सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव्स में गाइस देखिए क्या कहा जाता है हमारे पास। तो देखिए पहला हमारा होता है गाइस फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बेल्ट, स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट्स। क्या लिखेंगे हम, स्पीड, स्पीड क्या है ड्राइवर का और ड्राइविंग शाफ्ट का, स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्राइविंग शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट हम जानेंगे, यहां पर हम पुली भी लिख सकते हैं शाफ्ट, देखा कि स्पीड क्या है दोनों का, स्पीड पे डिपेंड करेंगे, उससे भी हम डिपेंड कर सकते हैं, या स्पीड रिडक्शन रेशियो क्या है, स्पीड रिडक्शन रेशियो क्या है, स्पीड रिडक्शन रेशियो इस पे भी डिपेंड कर देगा हमारा सिलेक्शन। हम ऐसे कर सकते हैं, स्पीड तीन दो हो गए, हम चार पांच कुछ देख लेंगे क्या, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कितना पावर हमें ट्रांसमिट करना है इस पे भी डिपेंड कर सकता है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड या पावर टू ट्रांसमिटेड इस पे भी डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ देखिए क्या है हमारे पास, फोर्थ है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर डिस्टेंस कितना है बिटवीन पुलीज, सेंटर डिस्टेंस गाइस यहाँ पर बी लिख दिया मैंने, करते हैं रेज, लेते हैं पेंसिल वापस, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिफ्थ, मैं पांच ही बताऊंगा इसका, स्पेस कितना अवेलेबल है आपके पास, स्पेस अवेलेबल। तो इन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेल्ट ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, स्पेस कितना अवेलेबल है, ठीक है स्पेस कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। तो बेल्ट ड्राइव करने के कुछ मैंने फाइव आपको बताया कि फाइव हमारे पॉइंट्स हैं जो हम बेल्ट ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है, स्पीड ड्राइवर, स्पीड क्या है हमारा ड्राइविंग और ड्राइवर शाफ्ट का, मैंने अभी बता दिया था ड्राइवर और ड्राइविंग शाफ्ट कौन सा होता है गाइस, जिससे मैं पावर को ट्रांसमिट करवा रहा हूँ, जिससे मैं पावर को किसी और पे भेज रहा हूँ उसे मैं ड्राइवर कहूंगा, और जिस जो रिसीव कर रहा है पावर को उसे मैं ड्रिवन कहूंगा या फॉलोअर कहूंगा। सेकेंड क्या है, स्पीड रिडक्शन रेशियो क्या है, स्पीड पावर टू ट्रांसमिट कितना पावर करना है ट्रांसमिट, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुली, एंड द लास्ट वन इज स्पेस अवेलेबल, कितना स्पेस है हमारे पास उस पर भी डिपेंड करेगा। गाइस आते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, अब देखिए कितने टाइप्स के बेल्ट ड्राइव्स होते हैं, थर्ड हमारा जो है टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स गाइस इसे हाथों हाथ लिखते चलिए आप जैसे मैं लिखवा रहा हूं, और समझते जाइए, और ना समझ आए तो गाइस आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख देना, हो सकता है तो मैं उस पर वीडियो आपको अलग से एक वीडियो डाल दूं। तो गाइस देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स हमारा आता है तीन टाइप्स के होते हैं गाइस, पहला होता है हमारा लाइट ड्राइव्स, लाइट ड्राइव्स
अब इसे समझते हैं। पहले तीन टाइप का होता है, पहला मैंने लिख दिया लेड ड्राइव्स, पहला हो गया ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे गाइस। लाइट ड्राइव्स देखिए क्या होता है, लाइट ड्राइव्स हमें क्या होता है गाइस कि दीज आर यूज टू ट्रांसमिट, समझिएगा इस ध्यान से, दीज आर यूज टू ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट अ बेल्ट स्पीड्स अप टू अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड इन। और इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं गाइस, एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी जो ये क्या होता है मीडियम नहीं, इसे स्मॉल पावर के लिए हम यूज करते हैं। स्मॉल पावर जब हमें ट्रांसमिट करना हो तो हम लाइट ड्राइव्स का यूज करते हैं, ट्रांसमिट करना हो तो हम इसे यूज करते हैं। और इसके कितने होंगे गाइस, ये नंबर आप याद रखना हमेशा, 10 मीटर पर सेकेंड, कितने अप टू ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इससे बिलो ही होना चाहिए, इससे नीचे ही होना चाहिए गाइस, क्या इससे नीचे ही होना चाहिए, नीचे, इससे नीचे ठीक है, लेस 10 मीटर पर सेकेंड, अप टू मतलब 10 हो सकता है लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगा, इसका स्पीड जो बेल्ट की स्पीड होगी वो ज्यादा नहीं होगी इससे 10 से। तो ये हम क्या कहते हैं, देखिए लाइट ड्राइव्स में क्या है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करते हैं हम ठीक है, इतना अंडरस्टेबल है ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं हम, हमारे पास कितने, तीन टाइप के मैंने बताया ना आपको, तीन टाइप के हमारे पास होते हैं। तो दूसरा टाइप देखिए क्या हमारे पास गाइस, दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, दूसरा हमारा होता है मीडियम ड्राइव्स, क्या होता है मीडियम, हमारा दूसरा जो होता है मीडियम ड्राइव्स होता है, मीडियम ड्राइव्स तो गाइस देखिए मीडियम ड्राइव्स क्या होता है हमारे पास, मीडियम से होता है मीडियम पावर, मीडियम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। पहला कहता है स्मॉल में हमें स्मॉल पावर करते हैं, इसमें मीडियम पावर हम ट्रांसमिट करेंगे, मीडियम पावर ट्रांसमिट करेंगे ठीक है, के लिए यूज करेंगे। और इसकी जो स्पीड होंगे, स्पीड जो होगा उसका गाइस 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 22 मीटर पर सेकंड तक रखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 22 मीटर पर सेकंड तक स्पीड हम इसका रखेंगे, ओके क्लियर है। और ये यूज कहाँ होता है गाइस, इसका यूज हम करते हैं मैनुअली, हम जो इसका यूज करते हैं ऐसे, तो हम इसे इसका यूज हम कर लेते हैं गाइस मशीन टूल जो होते हैं, मशीन टूल्स के जितने भी मशीन होते हैं, मशीन टूल वाले मशीन जो होते हैं हमारे पास, उनमें इन सब ड्राइव का यूज करते हैं, उसमें बेल्ट का यूज होता है, मशीन टूल ड्राइव ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड देखिए गाइस, थर्ड हमारे पास क्या हैवी ड्राइव्स, थर्ड क्या हमारे पास हैवी ड्राइव्स, हैवी ड्राइव्स देखिए कैसे होता है गाइस, इसमें हम क्या करें लार्ज लार्ज पावर ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं लार्ज पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और इसकी स्पीड जो होते हैं 22 मीटर पर सेकंड से लेकर अबव 22 मीटर सेकंड कह देते हैं कि अबव जो आएगा जितने भी 22 मीटर पर सेकंड से, वो सब किस में होगा लार्ज ड्राइव्स में। और इसके जो यूजेस हैं गाइस, हम कहाँ यूज करते हैं इसे, इसे हम कंप्रेसर, आप रैक में पढ़ोगे कंप्रेसर क्या होता है, वहां पे भी आप देखोगे कंप्रेसर एंड जेनरेटर में, इसमें हम किसका यूज करते हैं हैवी ड्राइव्स का ठीक है। और देखिए जो मैंने अभी स्मॉल ड्राइव्स बताया था आपको, लाइट ड्राइव जिसे स्मॉल ड्राइव्स कहते हैं, स्मॉल पावर सब पहला जो था हमारा लाइट ड्राइव्स, इसका यूज जो था गाइस वो मैंने लिखना नहीं लिखा था, अब मैं अभी इसका यूज लिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है अप टू मैं 10 मीटर पर सेकेंड यूज करूंगा, अप टू 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गए, और स्मॉल पावर ट्रांसमिट कर, यूज कहाँ होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल जो भी टूल्स होते हैं ना एग्रीकल्चरल, उस टूल में हमारे क्या होता है लाइट ड्राइव्स बेल्ट यूज करते हैं हम, लाइट ड्राइव्स बेल्ट जो होता है वो यूज होता है ठीक है। इतना समझ आ गया, अब क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। एग्रीकल्चर और आप ले सकते हैं एक और चीज, या हो सकता है स्मॉल मशीन टूल्स हो, जैसे स्मॉल मशीन टूल्स हो गया गाइस, उसमें भी हम किसे यूज करते हैं लाइट ड्राइव्स को, ओके नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो गाइस आगे हम नेक्स्ट पेज पे अब पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंस है वो, अभी तक तो हम बस जानकारी ले रहे थे क्या क्या होता है ड्राइव्स, क्या होता है और टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स कितने हैं, हम किस सिलेक्शन कैसे करते हैं बेल्ट ड्राइव्स के वो, और हमने कैसे हम फैक्टर डिपेंड्स होता है हमारे पावर ट्रांसमिट करने पे, कौन सा फैक्टर डिपेंड, तो चार फैक्टर आपको याद होंगे जो मैंने पहले पेज में बताया था। अब देखिए गाइस हमारे पाते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट, क्या है गाइस टाइप्स ऑफ,
बेंट, टाइप्स ऑफ बेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बेल्ट आपका पूछ सकते हैं, बहुत पेपर में पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या होते हैं। तो गाइस देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट में क्या आएगा, पहला आता है फ्लैट बेल्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट। तो लेट्स मैं भी डायग्राम बना देता हूँ एक फ्लैट बेल्ट का, उससे समझते हैं कुछ। देखा मेरे पास क्या है, मान दो ये पुली का सरफेस है, ठीक है, पुली का सरफेस मानता हूं, और उसके ऊपर कुछ ऐसा से हैच कर देते हैं, कुछ ऐसा जो दिखे उसे हम क्या कह देते हैं, फ्लैट बेल्ट कहते हैं गैस। तो देखिए फ्लैट फ्लैट बेल्ट जो होता है गैस, ये हमारा मोस्टली यूज होता है ये फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में। और कहाँ यूज करते हैं हम इसे, मोस्टली फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में यूज करते हैं हम इसका फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स का। आप अपने लेथ मशीन पे भी देखेंगे तो क्या होता है, फ्लैट बेल्ट ही लगा रहता है गैस। और ये जो होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करता है, मॉडरेट, ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं करता, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को भैया जी ट्रांसमिट करता है, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करता है। और ये गाइस इसकी जो डिस्टेंस होंगे, जैसे आप देखिए मैं पावर तो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन ये मैं मानता हूं मैं ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है ड्राइवर, और ये मानता हूं एक मेरा ड्रिवन है, ड्रिवन या इसे फॉलोअर कहिए आप गाइस, फॉलोअर। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे गाइस, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो कितना होना चाहिए, वो नॉट मोर देन, डिस्टेंस जो होंगे गाइस नॉट मोर देन 8 मीटर, 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम वहां पे फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स का यूज करेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको गूगल क्रोम पे ले जाता हूँ, फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स का एक फिगर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। तो गाइस चलते हैं हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स देखने के लिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स, फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स नहीं लिखते हैं, फ्लैट बेल्ट ही सर्च करते हैं। तो गाइस आपको दिख रहे हैं कुछ इमेजेस फ्लैट बेल्ट कैसा होता है, देखिए ये फ्लैट बेल्ट है, और ये देखिए ये क्या है, ये इस फिगर को मैं जूम करता हूँ यहाँ पे गाइस, देखिए ये क्या है हमारा, इसे मान लेते हैं ड्रिवन और इसे मान लेते हैं हम ड्राइवर। तो ये जो हमारा गाइस ये वाला है, ये क्या है हमारा, फ्लैट बेल्ट है, ठीक है, समझ आ गया आपको फ्लैट बेल्ट कैसा होता है, ये होता है हमारा फ्लैट बेल्ट। चलिए वापस चलते हैं अपने, आपको फ्लैट बेल्ट मैंने दिखा दिया, आपको समझ आ गया, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा बेल्ट है गाइस वो है वी बेल्ट, क्या है दूसरा हमारा बेल्ट जो है वो है हमारा वी बेल्ट, वी बेल्ट। देखिए वी बेल्ट को हम यूज कहां करते हैं, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, वी वेल्ट को भी हम गाइस मैनुअली फैक्ट्रीज में करते हैं एंड वर्कशॉप, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में हम इसका यूज करते हैं, वर्कशॉप जैसे आप हर मैकेनिकल इंजीनियर के वर्कशॉप होते हैं तो वहां पे देखते होंगे आप लेथ मशीन जितने होते हैं, लेथ मशीन, मशीन टूल्स, ये सब जहाँ पे जितने सारे मशीन वाले होते हैं ना, उन समय हमें वी वेल्ट में मैक्सिमम दिख जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी दिख जाते हैं, एग्रीकल्चर जहाँ पे हैवी टूल्स यूज कर देते हैं, हल्की सी मॉडरेट जैसा ज्यादा हो जाए वहां पे हम इसे वी बेल्ट को यूज कर लेते हैं। और वी बेल्ट को हम क्या करते हैं गाइस, ये क्या होता है मॉडरेट, वहां पे जब मोर देन मॉडरेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मोर देन मॉडरेट पावर हमें ट्रांसमिट करना हो, मोर देन मॉडरेट, मॉडरेट पावर जब हमें ट्रांसमिट करना हो तो हम इसे यूज करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा वी बेल्ट का यूज करते हैं, जब मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना हो तो हम वी बेल्ट यूज करते हैं।
नेक्स्ट देखिए इसका एक और डिफरेंस हम बताते हैं इसके। अब देखिए इसके जो ड्रीवर जो ड्राइवर होगा और ड्रीवर के डिस्टेंस होंगे, ये ड्राइवर मानता हूँ इसे और इसको मैं मानता हूँ ड्रीवन। तो गाइस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होना चाहिए, ये गाइस क्या होता है हमारा, इन दोनों का डिस्टेंस होता है टू पुलिस, एक पुली ये मानता हूँ, दूसरा पुली ये, तो उनकी डिस्टेंस होगी गाइस बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम। इसको मैं मान लूँ तो आपको कह सकता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर ले सकते हैं आप, मतलब इसकी जो होगी वेरी वेरी नियर होना चाहिए दोनों आपस में, नियर टू ईच अदर, दोनों पुली आपस में बहुत पास होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं वी बेल्ट का यूज करते हैं। लास्ट जो बेल्ट हमारे पास गया है थर्ड वन, उसे हम कहते हैं या तो हम किसे कह देते हैं सर्कुलर बेल्ट या रोक कह देते हैं। ओके तो इतना क्लियर है। अब देखिए ये कहाँ यूज होता है इसके सबसे पर, ये भी गाइस हम इसे लिख सकते हैं फैक्ट्रीज और हैवी मशीन में देखने को मिल जाते हैं, फैक्ट्रीज में मिल जाते हैं और हैवी मशीन जहाँ यूज होता है वहाँ मिल जाते हैं। अब देखिए ये कितना होता है, ये बहुत मोर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर्कुलर बेल्ट का, किसका क्या सर्कुलर बेल्ट। अब चलते हैं इसके डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मानते हैं इसे ड्राइवर और एक मानते हैं हम ड्रीवर, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो गाइस मोर देन 8 मीटर होना तब चल जाएगा, मोर देन 8 मीटर जब होता है तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं, मोर देन 8 मीटर, ठीक है, मोर देन 8 मीटर हो तब भी हम इसे, व्हेन द पुलिस आर मोर देन 8 मीटर्स बोथ पुलिस, एक पुली ये मानते ड्राइवर को और एक ये जैसे एक पुली ये और दूसरा पुली ये, मोर देन 8 होगा तब हम गाइस इसे यूज करेंगे, कौन सा बेल्ट रोप या सर्कुलर बेल्ट को, आप रोप या सर्कुलर बेल्ट उसका हम यूज करते हैं। ये क्या हमारा गाइस ड्राइवर, ये क्या हमारा छोटा वाला टू ड्रीवन जिसे हम फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं। ओके इतना क्लियर है। अब आते हैं गाइस एक चीज आता है, भैया हमने बेल्ट की बात कर ली है, हमारा बेल्ट भी आ गया समझ की भैया बेल्ट कितने टाइप के होते हैं, वी बेल्ट सर्कुलर बेल्ट एंड 3 टाइप्स के होते हैं ना बेल्ट। तो चलिए गाइस हमने अभी आपको वो बेल्ट तो दिखा दिया था गूगल्स पे, अभी हम दूसरा बेल्ट देख लेते हैं गूगल्स पे सर्च करके, जो हमारा क्या था एक तो वी बेल्ट देख रहे हैं हमें और फ्लैट बेल्ट तो हमने देख लिया। वी बेल्ट देखिए गाइस किस तरह का होता है, देखिए वी बेल्ट आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरह का होता है हमारा वी बेल्ट होता है, ये देखिए ये हमारा क्या है वी बेल्ट, ठीक है ये वी बेल्ट हो गया। अब एक और बेल्ट देख लेते हैं हम रोप बेल्ट, ठीक है रोप बेल्ट कैसे दिखते हैं हमारे, तो गाइस रोप बेल्ट हमारा कुछ इस रोप की तरह ही दिखता है, ये होता है ठीक है, ऐसे देखिए पुली में लग के हमारा कैसे दिखेगा, ठीक है इसे देखिए, देखा रोप बेल्ट हमारा कुछ इस तरह दिखता है ये, देखा गाइस रोप बेल्ट आपको भी दिख गया, ये जो हमारा ये है ना ये हमारा रोप बेल्ट है, देखिए तो रोप बेल्ट कितना होता है 8 मीटर अपार्ट के लिए हम यूज करते हैं। ओके फिर हम चलते हैं वापस, अब देखिए इसका ना एक डायग्राम देख लीजिए, तीनों का डिफरेंस में ना डायग्राम होता है, तो डायग्राम हम चलते देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक तो पहले फ्लैट बेल्ट का डायग्राम कैसे दिखता है, जैसे पूछ लिया कहीं फ्लैट बेल्ट का बनाने के लिए, फ्लैट वी एंड रो, तो सबसे पहले सबके लिए मैं वी फ्लैट बेल्ट को तो मैंने बना के दिखाई दिया था कुछ ऐसे, मान लेते हैं इसे हम लेट कर लेते हैं पुली है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है एक और
ऐसे सर्च करके इसे एज कर दीजिए। इसे हम फ्लैट बेल्ट के लिए डेफिनेशन मान लेते हैं। वी बेल्ट के लिए क्या करते हैं गाइस, हमें पहले पुली बनाना होता है ऐसे, और थोड़ा सा इंक्लाइंड करके ऐसे एंगल देके फिर इसे उठा के ऐसे मिलाना होता है। और यहाँ पे क्या करना है हमें, एक ये इसे एज कर दीजिए, तुम्हारे क्या है वी बेल्ट। एंड रोप क्या होता है गाइस, सिमिलरली वी बेल्ट की तरह थोड़ा हल्का हल्का मैच करेगा ये, इसे ऐसे करके इसको थोड़ा एंगल दे दे, इंक्लाइंड कर दे और थोड़ा ऊपर उठा के ऐसे मैच करे, यहाँ पे कुछ गोला बना दे। तो ये हमारा क्या है, रोप बेल्ट। तीनों बेल्ट का आपको डायग्राम में पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं, हमने बेल्ट तो पढ़ लिया क्या किस टाइप के बेल्ट होते हैं, फ्लैट बेल्ट होते हैं हमने पढ़ लिया, वी बेल्ट होते हैं हमने पढ़ लिया, रोप बेल्ट होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, सर्कुलर बेल्ट के नाम से जानते हैं उसे। अब देखिए बेल्ट तो हमने जान लिया, अब बेल्ट की मटेरियल जानते हैं, बेल्ट आया कहाँ से, बनता किस चीज़ से, वो हम थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। तो मटेरियल्स ऑफ बेल्ट में देखते हैं, मटेरियल्स ऑफ बेल्ट, तो मटेरियल्स ऑफ बेल्ट में देखे क्या होगा गाइस, तो मटेरियल्स ऑफ बेल्ट में देखिए हमारा पहला आता है लेदर बेल्ट्स, मैं टाइप्स लिख रहा हूँ इसका, आता नहीं था पूछने के लिए पेपर में गाइस। लेदर बेल्ट हो गया हमारा, एक आता है हमारा कॉटन, कॉटन का भी बेल्ट होता है कॉटन बेल्ट। थर्ड हमारा आता है गाइस रबर बेल्ट, रबर का भी बेल्ट होता है। एंड फोर्थ वन होता है हमारा गाइस बेलेटा बेल्ट, ठीक है। इतने टाइप्स के हमारे कुछ चार टाइप्स के बेल्ट के जो मेन कोर मटेरियल जिसे हम कहेंगे कोर मटेरियल है ये, ठीक है। इन्हीं में क्या करते हैं हम, किसी में क्रोम इसमें हम ऐड करते जाते हैं, कुछ केमिकल कंपोजिशन करते हैं और हम कुछ फॉर्मेशन देते रहते हैं हमें हिसाब से, अपने हिसाब से स्ट्रेंथ इसके हम कम ज्यादा कर सकते हैं इन सब में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो हमारा लेदर बेल्ट होता है और एक रबर बेल्ट, दो हमारा बहुत यूज करते हैं हम, लेदर एंड रबर, इन दोनों बेल्ट को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो गाइस ये तो हमने पढ़ लिया ये बेल्ट के बारे में, तो नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स, टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। तो गाइस इतना मैं तो सबसे पहले आप कहूंगा कि इतना आप क्लियर करिए, उसके बाद हम टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स एंड डेरिवेशन करेंगे जितने हो सकते हैं। हमारे डेरिवेशन कितने हैं, एक तो क्रीप हो गया, स्लिप हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, लेंथ ऑफ सिंपल बेल्ट ड्राइव्स होंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे उसमें देखिए हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, बस कल ही हो सकेगा, कल अपलोड हो जाए, एक दिन बाद ही अपलोड कर देंगे गाइस। तो उसमें देखिए क्या होगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स, क्या क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स, कितने टाइप्स के टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इससे ना मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो, ये डेरिवेशन है वेलोसिटी रेशियो। हमारा स्लिप पढ़ेंगे, ट्रिप पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ बेल्ट पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ बेल्ट डेरिवेशन है गैस। इन चीज जितना लिख रहा हूँ इसके बाद वेलोसिटी टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट के बाद ये सब क्या है, डेरिवेशन है। लेंथ ऑफ कॉमन या ओपन बेल्ट ड्राइव्स के हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव्स एंड लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव्स। तो ये कुछ हम नेक्स्ट वीडियो जाने वाले हमारे गाइस उस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए मैं कुछ रिकैप कर देता हूँ आपको जो हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, मैं कि नहीं आ रहे होंगे कि ड्रीवन और फॉलोअर्स में फर्क क्या होता है।
तो गाइस देखिए ड्रीवन क्या होता है, मैं इसके ना कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि मेरे पास कुछ ये इसे जो जिस पुली में खुद का रोटेशनल मूवमेंट हो, मानता हूँ इस पुली को मोटर के थ्रू रोटेशनल मूवमेंट मिल रहे हैं, रोटेशनल मूवमेंट मिल रहा है, रोटेशनल मूवमेंट मिल रहा है इसमें, और वो किसी और को रोटेट कर रहा है अपने थ्रू, अपने पावर देकर। तो जो दे रहा है पावर उसे हम कहते हैं ड्राइवर, और जो पावर को ले रहा है रिसीव कर रहा है उसे कह देते हैं ड्रीवन। इतना बस क्लियर रखिए और हमारा चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है गाइस अभी स्मूथली, और हम इसे कवर कर लेंगे 2 से 3 वीडियो के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो वाला है, उसमें डेरिवेशन ही करने वाले हैं हम। तो एक वेलोसिटी रेशियो, स्लिप, क्रिप, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव्स एंड लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है, इनके हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। और गाइस हो सके तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत गाइस, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।